विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर विभिन्न जगहों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। राजधानी शिमला में जहां रिज मैदान पर पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, वहीं HPSITC द्वारा भी रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। शुक्रवार को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर संस्था ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर दिनेश सक्सेना ने बताया कि लोगों को बैंक से जोड़ने के उद्देश्य से समय समय पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है, इसीलिए सभी को ऐसे शिविरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये कैंप हम लोग हमेशा करते हैं और इस बार हमारे पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा ये कैंप लगाया गया। आज हमारा ये हमेशा ही ध्येय रहता है कि कम से कम 100 तो क्रॉस होने ही चाहिए, क्योंकि 100 का आंकड़ा जब तक लगता नहीं ना, शतक लगता नहीं है, तब तक मज़ा नहीं आता। और इस बार मुझे उम्मीद है कि 100 क्रॉस करेंगे, क्योंकि इतने यंग जनरेशन हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, दे हैव नॉट येट कम, वो भी आएंगे तो 100% क्रॉस करेगा। इसमें डॉक्टर्स यहाँ पर हम लोकली अरेंज करते हैं, IGMC है हमारे पास, अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं सब यहाँ पर, और देर वेरी गुड फैसिलिटी और दे बहुत अच्छा काम है। आपको बताइए, रक्तदान जीवन को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर बार। इस बार भी हमें उम्मीद है अच्छा हो रहा है। बैंक का उद्देश्य क्या है इस तरह का कैंप लगाने का? एक तो सबको जोड़ना। पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसी संस्था है जो हमेशा कोशिश करती है कि लोग हमसे ज़्यादा जुड़ें। हमारे सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग सुविधाएं हम प्रदान करते हैं, कि ये बहाना होता है लोगों को जोड़ने का, बताने का कि हम कुछ एक संस्था है जो लोगों के भले के लिए काम करती है। बैंक का काम वो तो करते ही हैं, साथ में ऐसे लोगों के भले काम भी करते हैं जो देश के लिए भी है, संस्था के लिए भी है, समाज के लिए भी। वहीं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर संस्था के वृत्त सचिव गोपाल शर्मा ने कहा कि रिज मैदान पर लाइफ सेव मिशन के सौजन्य से ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, इस उपलक्ष्य में हमारे ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ रखा है और इसमें हमारे साथ लाइफ सेव मिशन वाले भी हमारे साथ जुड़े हैं इसमें। और ये हर साल हम पिछले 15-16 साल से हम ये हर साल 13 तारीख को 13 अप्रैल को मनाते थे, किसी कारणवश इस बार हम 13 अप्रैल को नहीं सेलिब्रेट कर पाए, तो ये आज का दिन हमने ये तय किया था। आज हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, इसका आयोजन हुआ है और हमारे लोकल शिमला के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं आज वो अपने रांची से इस ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं, ब्लड डोनेट करेंगे। वहीं HPSITC एम्प्लॉई यूनियन ने भी देवभूमि ब्लड डोनर संस्था के सौजन्य से विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर लेबर कमिश्नर SS गुलेरिया ने कहा कि सभी कर्मचारियों के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन शिमला के हिमलैंड में किया गया, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को रक्त दिलाना है। ये हमारी HPSITC जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उन्होंने देवभूमि ब्लड डोनर यहाँ पे एक संस्था है उनके साथ मिलकर के इसका आयोजन किया है और आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी है, तो उसके उपलक्ष्य में ही ये हमारा जो आज कैंप है इसका आयोजन किया गया है। इसमें हमारे यहाँ सभी कर्मचारियों ने बड़ा सहयोग दिया है और जो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, दीनदयाल उपाध्याय जो अस्पताल है उसके जो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। उनकी टेक्निकल टीम भी हमारे यहाँ आई हुई है और जो हमारे सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं जो अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं आज, वो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं और आज जिन्होंने ब्लड दिया है, इससे आने वाले समय में जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों के कई ऐसे लोग होते हैं, मरीज होते हैं जिनको इस बात का पता नहीं होता कि उनको खून की कमी अगर ऑपरेशन के दौरान या किसी दुर्घटना के दौरान उनको आवश्यकता हो रहती है, तो आज जितना ये हमारा जो डोनेशन कैंप लगा है इससे खासकर उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी, उनको आसानी से खून मिलेगा और किसी की जान अगर बच जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही हमारे अधिकारियों द्वारा और देवभूमि जो डोनर संस्था है, बाकी सभी यहाँ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग हैं, बाकी बाहर के लोग भी आए हैं ब्लड देने,
उन्होंने बहुत पुण्य कार्य किया। HPSIDC एम्प्लॉय यूनियन के पूर्व अध्यक्ष SR कलौटी ने कहा कि देवभूमि ब्लड डोनर संस्था के सहयोग से HPSIDC एम्प्लॉय यूनियन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन से आग्रह करते हुए कहा कि सभी इस प्रकार के रक्तदान शिविरों का आयोजन करें और देश और प्रदेश के प्रति अपना दायित्व निभाएं। या हिमाचल से जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, सबसे मैं ये आह्वान करता हूं कि हम कर्मचारी प्रदेश सरकार का जो दायित्व तो निभाते ही हैं जनता के प्रति, इन ऐसे आयोजनों का आयोजन करके हम रक्तदान शिविर जगह जगह आयोजित करें, ताकि हम प्रदेश की जनता की सेवा और बढ़िया तरीके से करें। क्योंकि हमने देखा है काफ़ी समय से हमारे प्रदेश के अस्पतालों में रक्त की बहुत कमी चल रही है और रक्त के अभाव में अनेक पेशेंट अपनी जान भी गंवा देते हैं, या फिर गरीब पर जो लोग हैं वो अपने पेशेंट्स के लिए रक्त का वो प्रबंध नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।